वेलकम है आप सब लोगों दोस्तों का इन्फिनिट टॉक्स के एकदम ब्रांड न्यू एपिसोड में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ गेम्स के बारे में। हाँ, काफ़ी टाइम बाद गेम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, पता है मेरे को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेकिरोज डाइस ट्वाइस जो फ्रॉम सॉफ्टवेयर की गेम्स है, जिन्होंने वो बनाई है, ब्लडबॉर्न बनाई है, डार्क सोल्स वाली ट्रिलॉजी बनाई है, उनकी एक नई गेम है जो कि आएगी मार्च 22, 2019 को उसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है, जो कि नेक्स्ट ईयर आ रही है। और ये गेम थोड़ी सी अलग हो जाएगी उनसे, डार्क सोल्स और उससे ब्लडबॉर्न से, क्योंकि ये जो गेम है ना, इसमें स्टोरी लाइन है। बट जो ब्लडबॉर्न है और जो डार्क सोल्स है, उसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं है, वो प्लेन गेम्स है, सिर्फ गेम प्ले है उसमें, वो सिंपल गेम्स हैं। बट इस गेम में स्टोरी लाइन होने वाली है, तो बहुत सही गेम हो जाएगी वो। तो आगे बढ़ते हैं। आगे की न्यूज़ में ये जो बैटलफील्ड 5 की जो रिलीज डेट है, वो नवंबर 20 कर दी गई है, क्योंकि काफ़ी क्रिटिक्स ने जो बैकग्राउंड में जो गेम देखी, गेम प्ले देखा, जो हल्की सी स्टोरी लाइन देखी कैंपेन की, उनको लगा कि हिस्टोरिकली गलत है ये बैटलफील्ड 5 जो है वो गलत दिखा रही है, क्योंकि जो लड़कियां थी वो फ्रंट लाइंस में नहीं लड़ती थी और वो सपोर्ट करती थी, मतलब जो आर्मीज वगैरह होती थी। तो बैटलफील्ड 5 वैसे भी सेल्स में जो उसका जो प्री ऑर्डर सेल्स है, वो कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 4 से बहुत बहुत पीछे थी। तो इसलिए भाई ईए ने डिसीजन लिया कि बैटलफील्ड 5 को हम डिले करेंगे एक महीना। तो अब बैटलफील्ड 5 की रिलीज डेट अक्टूबर 19 से नवंबर 20th हो गई है, आ जाएगी गेम इस साल में। और यार मेरे हिसाब से पर्सनली मैं कहूँ ना, अच्छा किया, क्योंकि ना अक्टूबर के जो लास्ट में ना दो गेम्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी करेंगी, कॉल ऑफ ड्यूटी तो करती है, उसका मैं रीज़न दे चुका हूँ तुम्हें, बट स्टिल मेरे ओपिनियन मैं बैटलफील्ड 5 के साथ ही जाऊँगा। लेकिन रेड डेड रिडेम्पशन के टाइम पे कोई भी गेम रिलीज करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो गेम सब गेम्स को टक्कर दे देगी एक बारी को। लोग ब्लैक ऑप्स 4 को भी नहीं पूछेंगे भाई, रेड डेड को पूछेगा हर कोई, जो पूछेगा। खैर वो बाद की बात है। तो बैटलफील्ड 5 की रिलीज डेट अक्टूबर 19 से अपना नवंबर 20th कर दी गई है। और आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट ईयर बहुत सारी सीरीज ख़त्म हो रही है, जिसमें से एक नाम और ऐड हो चुका है, मिस्टर रोबोट का। काफ़ी फेमस सीरीज है ये, सीज़न 4 के साथ ये सीरीज़ कंक्लूड हो जाएगी। और ये भी ख़त्म कर रहे हैं वो, जो जिन्होंने प्रोडक्शन जो कर रहे हैं प्रोड्यूसर, ये भी अनाउंस कर चुके हैं वो रोबोट, मिस्टर रोबोट जो है वो नेक्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा। भाई नेक्स्ट ईयर बहुत सारी सीरीज़ ख़त्म हो रही है, बिग बैंग थ्योरी ख़त्म हो रहा है, गेम ऑफ थ्रोन्स ख़त्म हो रहा है, अब मिस्टर रोबोट भी ख़त्म हो जाएगा। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही था, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और जब सब्सक्राइब करे वो भी तगड़ा, और जो सब्सक्राइब ना करे वो भी तगड़ा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक जो भी आप कर रहे हो।